48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने मानव तस्करी और बाल श्रम पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओस के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें अशोक ए मोहिते एनजीओ प्रथम, सन्नी कुमार एनजीओ चाइल्ड लाइन, मनोज कुमार झा एनजीओ मिथिला कला विकास, राम अधीन दास शिव गिरिराज विकास संस्थान, श्रीमती दीपशिखा सिंह महिला विकास मंच और राकेश कुमार समाधान युवा क्लब शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में मानव तस्करी और बाल श्रम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था। इसमें मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के पुनर्वास, जागरूकता अभियान और कानून के सख्त अनुपालन पर चर्चा की गई। एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा ने सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एनजीओस के साथ सहयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक के दौरान एनजीओस ने तस्करी के शिकार बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा की और सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यक्रमों की योजना प्रस्तुत की। बैठक से यह निष्कर्ष निकला कि पुलिस, सुरक्षा बल, एनजीओस और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी सहयोग से इन गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक्चुअल में आपको बताऊं कि नशा तब बंद होगा जब हर व्यक्ति अपने घर से जागरूकता शुरू करेगा, अपने बच्चों को समझाएगा, जो टीनेज हैं उनको समझाएगा कि क्या नुकसान है, इससे क्या फायदे हैं, इसको करोगे तो अंधकार में किस स्तर का है लाइफ, कितना अंधकार में होगा, कितना नुकसान होगा, तो जाकर के संभव हो पाएगा। होता क्या है कि हालांकि ईजिली अवेलेबल अब हो रखा है, हम अभी भी लगे हुए हैं, इसमें आप सब लोग से सहयोग हमें चाहिए। हम 10-20% ही डिटेक्ट कर पाए अपने स्तर पे जो कर सकते हैं। अगर आप लोग का सहयोग पूर्णतः मिले, सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले, तो आप बताइए हम जहाँ बोलिए पूरा एक जगह इकट्ठा करके सब जगह पकड़ लेंगे। और आपको बता दूँ NDPS एक्ट के तहत मैं उनको NDPS एक्ट के तहत उनको बुक करते हैं। एक साल से पहले वो जेल से नहीं निकलता है अगर उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी मिल गई, 50 बोतल से ज़्यादा अगर बोतल मिल गया, कफ सिरप, नाइट्रोजापाइन टेबलेट, इंजेक्शन, तो मान के चलिए एक साल से पहले वो जेल से बाहर नहीं निकले, वो केस उसके पास रिफर करने हैं, क्योंकि उनको भी तय करने की जरिया नहीं दिया है कि बच्ची 18 साल के, 19 साल की बच्ची बड़ी दिख रही, छोटी दिख रही, ये वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि डायरेक्टली CWC निकल। इसके बाद अगर CWC अगर रात भर में अगर ये सब मामले आते हैं और लगता है कि लड़की बड़ी या छोटी है, तो जैसे हमने जैसे दीपशिखा जी ने कहा था।